ईरान में जो ईरान में महसा अमीनी की हत्या हो गई, ये कैसे पॉलिटिकल मुद्दा है? वहां पर जो महिलाएं सड़क पर उतर रही हैं अपनी आजादी की, अपनी चॉइस की मांग करते हुए, आपको ये राजनीतिक मुद्दा दिखाई देता है? कैसे दिखाई देता है? मैं बिल्कुल, मैं यही तो मैं बात कह रहा हूँ ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप दूसरे मुल्कों की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात नहीं करते, हम दूसरे मुल्क की बात नहीं कर रहे, आधी आबादी की बात कर रहे हैं। चलिए आप बताइए, आधी आबादी की बात कर रहे हैं और दुनिया की आधी आबादी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दूसरे देश में, किसी दूसरे देश में जब मुस्लिम आबादी की, मुस्लिम आबादी पर कोई अत्याचार होता है तो आप मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, आप मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं। लेकिन अगर आज ईरान की मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतरकर ये कह रही हैं कि हिजाब पहनना उनकी चॉइस होनी चाहिए, तो आप कह रहे हैं ईरान की तरफ मत देखिए? ये दोहरा चरित्र है आपका, ये डबल स्टैंडर्ड है सर आपका। अपने लाफ लैंड को मानते हैं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप मानते हैं या नहीं? तो जब दूसरे देश में मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार होता है उस वक्त आपका मुस्लिम ब्रदरहुड का स्टेटमेंट क्यों आता है? तब क्यों नहीं कहते आप ये कि कानून अपना काम कर लेगा, भारत अपने मसले देखे, उस समय क्यों नहीं कहते हैं? लेकिन आज महिलाओं का मसला है, आज महिलाओं का मसला है, और आपको ये लगता है, और आपको ये लगता है कि जिनकी दुकान चलती है उस वोट बैंक से उनको खतरा पड़ेगा, तो आप ये बयान दे रहे हैं? रिजवान अहमद, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है? जब भी कट्टरपंथ आता है उसकी शिकार बनती है महिलाएं। कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कुछ लोग अब बोल लूं, ठीक है सर, आपकी बात पूरी हो गई, रिजवान साहब बोल लूं मैं, ठीक है बोल लूं, हमारा कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, बोल लूं हमारा फंडा सर, आपका डबल स्टैंडर्ड अभी एक्सपोज हुआ है, आपका डबल स्टैंडर्ड कंट्रोल करिए। बाकी मुस्लिम आबादी पर अत्याचार हो तो मुस्लिम भाईचारे की आवाज बुलंद होगी, लेकिन महिलाओं पर हो तो अभी आपने यहाँ पर चैनल पर बैठ के कहा है कि वो महिलाओं का मामला, ईरान का मामला छोड़िए उसे। रिजवान साहब ठीक है, रिजवान साहब बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं जी, जी जी, अरे असगर खान को तो कंट्रोल करिए आप जी, आप बोलिए। देखिए अभी जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, बीच में ओएसी साहब भी ये बोलते हुए मिले थे कि भैया हमें अफगानिस्तान से क्या मतलब। देखो भाई, मैं तो इन्हीं के भाषा में इनको जवाब देता हूं, मैं तो कह रहा हूं हमें अफगानिस्तान से भैया कोई मतलब नहीं है। एनआरसी और सीए के दौरान तुम्हीं ने अफगानिस्तान के मुसलमानों के साथ रिश्तेदारी जोड़ ली थी कि उनको बुलाओ, तो तुम तो उस दिन सीए और एनआरसी के टाइम पर उनके साथ रिश्तेदारी ना जोड़ते ना, आज कह रहे हो अफगानिस्तान से हमारा कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात आपको बड़ी बढ़िया बताऊं, एज ए इस्लामिक स्टूडेंट, इस देश में पुरानी मस्जिदें छोड़ के जितनी भी नई बड़ी मस्जिदें बनी, जितने भी इजारे बने, जितने भी दारुल उलूम बने, मुसाफिर खाने बने, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें सऊदी अरेबिया की भीख यानी जकात का पैसा ना आया हो। एक मौलाना 15 हज करता है जिसमें एक करता है अल्लाह के नाम पर और 14 करता है जकात लेने के नाम पर। जब तक सऊदी की गवर्नमेंट इनका साथ दे रही थी तब तक सऊदी के साथ इलू इलू किया करते थे। जब वहां मोहम्मद बिन सलमान आया और उसने इनके डंडे लगाने शुरू किए तो अब कहते हैं कि हमें सऊदी अरेबिया से क्या मतलब, हम तो हिंदुस्तानी हैं। और आखिरी बात, अभी डिबेट शुरू होने से भी पहले किसी ने धूलिया साहब का नाम लिया और ये वकील हैं असगर साहब, इन्होंने भी नाम लिया। बड़ा अफसोस होता है कैसे कैसे अज्ञानी आ जाते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि जब एक डिवीजन बेंच का जजमेंट स्प्लिट होता है तो जिसने तुम्हारे पक्ष की बात कही है वो भी नहीं बोली जाती और जिसने तुम्हारे खिलाफ बात कही है वो भी नहीं बोली जाती। लेकिन ये इतने जाहिल हैं कि सिर्फ ये धूलिया धूलिया करते रहते हैं, ये गुप्ता गुप्ता नहीं करते। इतने बड़े दो मुंह हैं और इतने बड़े दोगले हैं ये।